तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों एक टाइम पे जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो उस टाइम पे इंडिया के पास जो सबसे कीमती चीज़ थी वो था कोहिनूर डायमंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री में कई लोगों ने इसे पाने की चाहत रखी, मगर जिसने भी इसको पाया वो बर्बाद हो गया। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि ये स्थापित है और इससे जुड़ी कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि अभी तक अनसॉल्व हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, द मिस्ट्री ऑफ कोहिनूर डायमंड एंड उसके कर्ज यानी कि श्राप के बारे में। दोस्तों कोहिनूर जिसका मतलब होता है द माउंटेन ऑफ लाइट यानी कि रोशनी का पहाड़। दोस्तों कोहिनूर फर्स्ट टाइम कृष्णा नदी के पास कुल्लूर की खदानों में मिला था और दोस्तों ये खदानें आज के टाइम में आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में स्थित हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये डायमंड सबसे पहले काकड़िया वंश के शासनकाल में सामने आया था और इसके बाद ये डायमंड मुगलों के पास आ गया था, मगर पक्के तौर पर ये कोई भी नहीं जानता कि ये डायमंड मुगल वंश के पास कैसे आया। दोस्तों इसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब डायमंड की चमक बढ़ाने के लिए वेनिस शहर के नॉर्सो वोसिया को डायमंड दे देता है, मगर वोसिया जब इस डायमंड की चमक बढ़ा रहा था तब ये डायमंड गलती से टूट जाता है और अब कोहिनूर 793 कैरेट की जगह सिर्फ 105 कैरेट का बचता है। दोस्तों इसके बाद वोसिया को 10,000 जुर्माने के तौर पे औरंगजेब को देने पड़े। सन 1739 ईस्वी में अरसी देशों ने इस कोहिनूर को पाने के लिए मुगल साम्राज्य पे हमला कर दिया। नादिर शाह ने इस कोहिनूर को जीतकर इसे ईरान ले गया और इस डायमंड को कोहिनूर नाम दिया, जिसका मतलब होता है द माउंटेन ऑफ लाइट। दोस्तों वैसे तो ये डायमंड नादिर शाह के पास आ गया था, पर ज्यादा दिन तक नादिर शाह इस डायमंड को अपने पास रख नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी नादिर शाह की हत्या करके कोहिनूर को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। दुर्रानी के मौत बाद उसके उत्तराधिकारी सूरज दुर्रानी के पास ये डायमंड आ गया। दोस्तों जब सूरज दुर्रानी एक जंग में बुरी तरह से हार कर अफगानिस्तान का शासन खो देता है, अब वो इस कोहिनूर को लेके पंजाब चला जाता है और कोहिनूर डायमंड को वहाँ के राजा रंजीत सिंह को सौंप देता है। इसके बदले में रंजीत सिंह से सूजा दुल्लानी को अफगानिस्तान का राजा बना देता है और इसके बाद पंजाब के नाबालिग शासक दीप सिंह कोहिनूर को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। और 1850 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्वीन विक्टोरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दे देता है। दोस्तों तब से ये डायमंड ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का एक हिस्सा है और दोस्तों इसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने इस डायमंड को अपने क्राउन में लगा लिया और मरने से पहले अपनी वसीयत में ये लिख दिया कि इस डायमंड को उनके जाने के बाद सिर्फ एक क्वीन ही पहन सकती है। दोस्तों इसलिए ब्रिटेन में जब भी कोई किंग बनता है तो उसकी वाइफ को ये डायमंड दिया जाता है। दोस्तों बहुत समय पहले जब इंडिया के एक शासक के पास ये डायमंड था, तो उसने इस डायमंड के बारे में लिखा था, जिसके पास भी ये डायमंड रहेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, मगर इसके साथ उसके बुरे वक्त की भी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों उस शासक की इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, मगर दोस्तों अगर हम कोहिनूर के पूरे इतिहास पे एक बार गौर करें तो उस शासक की ये बात सच दिखाई देती है। दोस्तों इस कोहिनूर डायमंड ने कई शाही परिवारों को बर्बाद किया है। दोस्तों एक पुराने ग्रंथ के हिसाब से ये डायमंड श्रापित है और इसके श्राप के मुताबिक इस डायमंड को सिर्फ या तो भगवान या फिर महिलाएं पहन सकती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इसे पहनने वाला बहुत पावरफुल हो जाता है, मगर कोई आदमी अगर इसको पहनता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।